नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक कोर्स देख रहे होंगे जो कि इग्नू करवाता है, डीईसी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वैसे मुझे पता है कि आप में से काफी स्टूडेंट इसको ईसीसी कोर्स मानते हैं, बिल्कुल ईसीसी कोर्स है और इसके पहले डी लग रहा है, तो इस वजह से ये डीईसी कोर्स हो चुका है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ कि कहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो और आपके लिए जरूरी क्यों है। देखो, अब अगर आपको इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब में एक तरीके से आपको लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आप ये कोर्स है वो कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफी एक तरीके से आपको गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसका नेम आपको क्लियर कर देता हूँ, डीईसी कोर्स होता है, जो कि आपका ये एक साल का कोर्स रहता है। इसमें क्या रहता है कि जैसे कि आप 3 साल से 6 साल तक के बच्चे रहते हैं जो कि नर्सरी यूकेजी एलकेजी में रहते हैं, ठीक है, उनको पढ़ाने के लिए आप टीचर के रूप में नियुक्त हो सकते हो, उनकी एक तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है एक साल के कोर्स में। अब ये आप घर बैठे, ठीक है, घर बैठे ये कोर्स कर सकते हो, देख सकते हो मोड, आप देख सकते हो कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी घर बैठे ये कोर्स है, आप कर सकते हो। स्कूल आपकी रहने वाली है स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, तमिल में भी कर सकते हो। जब आपका एग्जाम होगा इंग्लिश में भी हो जाएगा, हिंदी में भी हो जाएगा, तमिल में भी हो जाएगा। जब आप फॉर्म भरोगे वो मैं क्लियर करूंगा, फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, तो उस टाइम आपको ये सब कुछ ध्यान रखना है। स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, ठीक है। इसमें आप बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज प्रोग्राम फॉर कंटिन्यूअस नॉलेज एंड स्किल्स अपग्रेड्स फॉर दोज वर्किंग इन द सेक्टर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एंड एजुकेशन। इट इज ए यूनिक होलिस्टिक पैकेज दैट इक्विप्स द लर्नर टू फोस्टर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, ठीक है। एग्जाम्पल में दे रखा है कि चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ 6 ईयर ऑफ एज, ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट एज क्लियर भी किया 6 साल तक, एंड विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू दोज वू आर वर्किंग विद चिल्ड्रन इन बर्थ टू 6 एज ग्रुप ऑफ डाइवर्स सेटिंग सच एज क्रिचेज प्री स्कूल्स प्री प्राइमरी क्लासेज नर्सरी स्कूल आंगनवाड़ी हो गई, ठीक है। आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या यूज करना होगा, जैसे कि आप प्री स्कूल में प्राइमरी स्कूल, ठीक है, उसमें हो गया, ठीक है, उसके बाद में नर्सरी स्कूल हो गया, उसके बाद में आंगनवाड़ी हो गया, उसके बाद में बालवाड़ी हो गया, ठीक है। दोज मैनेजिंग सच अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स पेरेंट एंड अदर इंटरेस्टेड इज नोविंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, ठीक है। इनमें आपको पढ़ाने के लिए एक टीचर के रूप में आपको नियुक्त किया जाता है। राजस्थान में इसके लिए जल्द ही भर्ती भी आने वाली है, एंटिटी और ईसीसी सेम ही आपके कोर्स रहते हैं, बाकी वो 2 साल का कोर्स रहता है। एंटिटी मतलब होता है नर्सरी टीचर एजुकेशन, ठीक है, मतलब टीचर ट्रेनिंग। उसी के बाद में एलिजिबिलिटी, अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसके लिए जो फीस रहती है वो 3,000 रुपये रहती है, यानी पूरे प्रोग्राम की 3,000 रुपये फीस आपकी रहेगी, इससे ज़्यादा फीस आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए भरोगे तो उसके लिए 300 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगते हैं, वो आपको देने होंगे। साथ ही में जो प्रोफेसर रेखा सेन है उनकी एक तरीके से यहाँ पर देख सकते हो प्रोफेसर है, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहने वाली है। साथ ही में इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी ये रहने वाली है, मोबाइल नंबर ये रहने वाले हैं, इन पर कॉन्टैक्ट करके भी आप जानकारी ले सकते हो। अब इसमें कोर्सेज क्या क्या रहते हैं और क्रेडिट आपको कितना दिया जाता है, वैसे टोटल क्रेडिट आपका 32 रहता है। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट रहता है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, जो कि 8 नंबर का रहता है। चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, वो भी सेम रहता है। सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी 8 नंबर का रहता है। प्रोजेक्ट वर्क एंड वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन एंड ए चाइल्ड केयर सेटिंग, ठीक है, ये आपका रहता है क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो रीजनल सेंटर रहते हैं, स्टडी सेंटर रहते हैं, वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखो, फर्स्ट में मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप जैसे अभी फिलहाल जुलाई में आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो एग्जाम है वो नेक्स्ट 2025 जुलाई में होने वाला है, और उससे पहले आपके प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल के लिए रीजनल सेंटर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और बाकी एग्जाम भी इन सेंटर पर ही आपका होगा। जैसे कि हैदराबाद की बात करें तो इंदिरा यहाँ पर रहने वाला है, लाल बहादुर कॉलेज रहने वाला है हैदराबाद में, ठीक है। जैसे राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भोपाल सबके लिए दे रखा है, एजवाल पोर्ट ब्लेयर सभी जगह आपको इसके जो रीजनल सेंटर है वो देखने को मिल जाएंगे।
जयपुर की बात करें, राजस्थान जयपुर की बात करें तो जयपुर में एक तो है डीएवी कॉलेज श्री गंगानगर, ठीक है, और उसके बाद में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़, और उसके बाद में एक है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में, और उसके बाद है इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ गर्ल्स जयपुर, ठीक है, और उसके बाद में राजर्षि कॉलेज अलवर, इस राजर्षि अलवर कॉलेज है, ठीक है, एस एस जैन सुबोध गर्ल्स पीजी कॉलेज। अब इसके लिए जो रीजनल सेंटर है साथ में यहाँ पर भवानी निकेतन पीजी बॉयज कॉलेज जयपुर। अब देखो ये जो तीन चार कॉलेज है, मतलब कि जितने भी जयपुर में कॉलेज है ये सभी पॉपुलर कॉलेज है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में तो राजर्षि कॉलेज है, ठीक है, बाकी ये टोंक में है, एक सूरतगढ़ में है और एक श्रीगंगानगर में है, और ये एस एस जैन सुबोध पीजी कॉलेज है, ये जो मेन सुबोध कॉलेज है रामबाग पर उसके जस्ट पीछे है। तो ये रीजनल सेंटर रहने वाले हैं, यहीं पर आपके एग्जाम होने वाले हैं। एक भवानी निकेतन पीजी बॉयज कॉलेज है तो वहां से भी आप कर सकते हो, यानी कि जो ये मैं कोर्स बता रहा हूँ आपको ECC, ये कोर्स आप कर सकते हो। अब इसमें क्या रहता है कि इसमें जितने भी नर्सरी के बच्चे हैं, LKG UKG फर्स्ट तक के जितने भी 6 साल तक के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और इसके लिए वैकेंसी भी निकलती है, वो वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें फीस भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। अब किस तरीके से आप इसमें एक तरीके से अप्लाई कर पाते हो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही आप ये देख सकते हो, यहाँ से तो आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से। जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका यूजर नेम डालना है, उसके बाद में आपका खुद का नेम डालना है, उसके बाद में आपकी मेल आईडी जो भी है वो डाल देनी है, कन्फर्म करना है, पासवर्ड डालना है, कन्फर्म करना है, 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है, उसके बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करते हो तो आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। उसके बाद में जैसे अगर आप 12th पास जो स्टूडेंट है वो ये कोर्स कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखना कि आपकी इसमें 10th 12th की मार्कशीट हो गई, उसके बाद में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट TC वगैरह ये नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगते हैं। इसको घर बैठे डिस्टेंस से आप कर सकते हो, आपको डायरेक्ट ही एक तरीके से एग्जाम देकर आना होगा, बाकी प्रैक्टिकल देना होगा, और आपको रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर देखो इस कोर्स के बारे में मैंने जितनी भी जो जानकारी है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना इस कोर्स के बारे में। वैसे तो मैंने ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है वो इसके बारे में आप सभी छात्रों को यहाँ पर बता दिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।